22 किलो 200 ग्राम अफीम प्रकरण मामले में आज एक नया मोड़ आ गया है, जब चोकड़ी गांव में ग्रामीण जन एक व्यक्ति प्रकाश धाकड़ को पकड़कर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय लेकर आए, जहां प्रकाश धाकड़ ने सारे मामले में एक पुलिसकर्मी उमेश चौहान का नाम ले लिया और कहा कि उमेश चौहान के कहने पर ही प्रकाश धाकड़ ने अफीम का झूठा प्रकरण बनवाने का षड्यंत्र रचा और आरोपियों को गिरफ्तार करवाया। प्रकाश धाकड़ ने कहा कि इसके एवज में पुलिसकर्मी उमेश चौहान ने उसे 4 लाख रुपए लालच दिया था। प्रकाश धाकड़ ने यह तक कह दिया कि अफीम भी पुलिसकर्मी उमेश चौहान लेकर आया था। सुनिए कैमरे के सामने क्या बोला प्रकाश धाकड़। अच्छा, बोल रहा उमेश उमेश चौहान, तुम तो बोलो। हाँ, ये पूरी बात, पूरी बात क्या है? उमेश चौहान जी सर, मेरे पास 10-15 दिन से आ रहे जा रहे थे और उन्होंने मेरे को लालच दिया कि मैं तुम्हारे को 4 लाख दूंगा, तुम मेरे को 2 आदमी ला के मेरे को दे दो। और कौन था उमेश चौहान सर? 2 आदमी और थे, उनको मैं नाम पता से नहीं जानता। अच्छा, फिर पहले भी संपर्क में था सर मैं। फिर क्या हुआ, संजय कौन, इनको किसने बुलाया? इन्हें तो मैंने बुलाया सर। काहे के लिए बुलाया था? तुम आओ या खेत पे, तुमको क्या आरोपी बनवाना था क्या? ये समझ रहा सर, ये किसने बोला था आरोपी बनाना? उमेश चौहान। ये पूरी बताओ किस तरह से बात हुई थी, क्या होता पूरा मामला है? उमेश से वो मेरे से मिलने आ रहे थे, मेरे को मैं तुम्हारे 4 लाख का रिश्वत दूंगा और तुम मेरे को 2 आदमी 20-25 किलो लगभग मेरे पास अफीम है, तो मेरे को केस बनाना। और कोई मुखबिर भी था साथ में? नहीं, उनके दो दो के साथ में तो और थे आदमी। हाँ, कोई मुखबिर भी था जिसको आप जानते हो अच्छी तरीके से? नहीं नहीं जानते। ये अफीम क्या उमेश चौहान की थी? हाँ, वही लेके आया, मेरे को मालूम नहीं कहाँ से आया। अच्छा, आप मौके से कैसे भगे वहाँ से? मैं बिजने भग गया। आपको उन्होंने भगा दिया? हाँ। है? हाँ। भगे थे, भगाया? नहीं, भग गया मैं, भग गए थे। हाँ। आप 2 दिन कहाँ थे? मैं फिर उधर ही था, हमारा कहाँ पे? हमारा उधर जंगल। आज कैसे क्या रहा, शपथ पत्र आपने लिखा है, क्यों लिखा है, क्या लिखा है? उनसे पैसे नहीं दिए मेरे को, पैसे 4 लाख की बात थी, वो 4 लाख रुपये दिए। हाँ, इसलिए फिर मैंने ऐसे कहा। आप पहले भी एनडीपीएस में बंद रहे क्या? हाँ। क्या मामला था पहले का? पहले एनडीपीएस के कितने 12 साल रहे? हाँ। तो आपको कहना है कि पुलिस ने फर्जी केस बनाया पूरी तरीके? हाँ, पूरी तरह से फर्जी बनाया सर, उनका दोनों का कोई माल वाल नहीं। आप भी शामिल थे पूरे मामले में? नहीं, मैं तो उन चौहान साहब ने मेरे को रिश्वत की बोला था, तो शामिल हो गए। और क्या शामिल के अलावा और कौन था इन तीनों के अलावा? और कोई नहीं था इसमें। जावर टीआई वगैरह का रोल है क्या इस स्थिति में? नहीं, वो तो मैंने नहीं देखा जावर टीआई वाला, वो चौहान, वो उमेश चौहान साहब ही आए थे। उनके अलावा किसी को जानते हो? नहीं, उनके अलावा नहीं। उनके साथ में 2 आदमी और थे, उनको नहीं जानता। इसमें प्रकाशन पिता बाबरू जी था।